समुद्र के नीचे क्या है? ये सवाल हर किसी के जहन में आता है। हमारे पृथ्वी पर जमीन 25% तथा समुद्री भाग 75% है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के 25% भाग पर इतना जीव जंतु निवास करते हैं तो धरती के 75% भाग पर कितना जीव जंतु रहते होंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के वैज्ञानिक आज तक 25% वाले जमीनी भाग को ठीक से नहीं समझ पाए। आज भी पृथ्वी के ज़मीन पर ऐसे ऐसे रहस्य मौजूद हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम इंसानों को भी नहीं पता। ऐसे में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि धरती के 75% भाग में किस प्रकार के जीव जंतु रहते होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं धरती के कुल जीवों में से 98% जीव समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्र में ऐसे ऐसे बहुत से रहस्य मौजूद हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समुद्र के बारे में कुछ अनसुनी बातें। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों के साथ मेरी ढेर सारी दुआएं। प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं इस वीडियो को बनाने में काफ़ी कड़ी मेहनत और समय दिया हूँ। मेरा हौसला बढ़ाने और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। नेशनल ओशन सर्विस के अनुसार इंसान समुद्र को सिर्फ 5% ही जान सका है और बचे हुए 95% में समुद्र क्या छुपाए बैठा है, इसी की जिज्ञासा में गोताखोर समुद्र में कुछ न कुछ खोजते रहते हैं और उन्हें बहुत हद तक सफलता भी मिली है। अब हम चलते हैं पानी के अंदर और देखते हैं समुद्र के अंदर क्या है। जब हम समुद्र के 40 मीटर की गहराई को देखते हैं तो यहाँ इंसान नहाते हुए दिखाई देते हैं। वहीं अगर और अंदर करीब 500 मीटर गहरे समुद्र में हमें ब्लू व्हेल देखने को मिलती है, जो कि समुद्र में 300 से 500 मीटर की गहराई में रहती है। और अगर हम थोड़ा और नीचे 700 से 800 मीटर नीचे देखें तो हमें विभिन्न देशों के अपने अपने सबमरीन तैनात किए हैं, इसलिए यहाँ कोई इंसान बिना परमिशन के नहीं जा सकता। और फिर 1000 मीटर में आपको आखिरी बार सूरज की किरणें दिखाई देगी। इसके नीचे सूरज की किरणों का नामो निशान नहीं होगा, यानी इस जगह पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा और यहाँ पर इंसान बिना किसी उपकरण से नहीं जा सकता। अगर परमिशन लेकर किसी उपकरण के सहायता से और अंदर जाएं करीब 1200 मीटर गहराई में तो यहाँ समुद्रीय कछुआ देखने को मिलते हैं और यहाँ से करीब 2000 मीटर अंदर जाने पर बहुत अद्भुत और ख़तरनाक जीव दिखाई देने वाले हैं। यहाँ आपको पूरा अंधेरा दिखाई देगा, इसलिए यहाँ कुछ देखने के लिए आपको हाई टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपको एक ऐसी प्रजाति देखने को मिलेगी जिसे कुदरत ने उसके आगे एक टॉर्च दे रखी है और इस प्रजाति का नाम है लाइट फिश। अब 2200 मीटर गहराई में आपको स्पर्म व्हेल दिखाई देगी और डोम्बल ऑक्टोपस भी मिलने वाले हैं, जो कि सबसे नीचे रहने वाले जीव हैं। और 4000 नीचे आने पर आपको घोर अंधेरा दिखाई देगा। यहाँ पर वाटर प्रेशर 11000 पाउंड के बराबर है। इसमें 4200 मीटर नीचे जैसे आम महासागरों का एवरेज डीप लेवल भी माना जाता है। हालांकि दुनिया में कई ऐसे महासागर भी हैं जो इतने भी ज़्यादा गहरे हैं, इससे भी ज़्यादा 10994 मीटर की गहराई है, जो कि इंसानों द्वारा नापी गई जो सबसे गहरी गहराई है और इससे मलीना ट्रांच कहते हैं। लेकिन ये समुद्र का अंत नहीं है, जबकि इससे भी नीचे समुद्र बाकी है जिसके बारे में हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं।